रावण को हम और आप एक दुष्ट के रूप में याद करते हैं, असत्य और अहंकार का प्रतीक मानते हैं। लेकिन बिहार का एक ऐसा स्थान है जहां रावण की पूजा होती है। यहां रावण का मंदिर है और उसके भक्त भी हैं। रावण महान पंडित था, प्रकांड विद्वान था, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। रावण के जीवन के कई पहलू हैं, वो अपने शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। राम के देश में रावण की पूजा थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार के इस स्थान पर लोग न सिर्फ रावण की पूजा करते हैं बल्कि रावण का मंदिर भी ग्रामीणों ने बना रखा है। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। जिले की कुल आबादी का 70% हिस्सा मुसलमानों का है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लंकाधिपति रावण की पूजा की जाती है। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित काशीबाड़ी गांव में रावण का मंदिर है, जहां विधि विधान के साथ रावण की पूजा होती है। बहुत दूर दूर से आदमी आता है, गाड़ी लेकर के मन्नत मानने आता है, उसका पूरा हो जाता है, तो पाठा भी यहां पर चढ़ता है, जिसका जो फायदा होती है ऐसा ही वो आती है। और बहुत दूर से आता है, कनियाबाड़ी, बुरी मारी, झाटी बाड़ी, जहाँ जहाँ हिंदू है बहुत दूर से आता है, कभी पूर्णिया से भी लोग आ जाता है। तो एक तरफ रावण को जलाया जाता है? नहीं, यहाँ रावण नहीं जला जाता, यहाँ रावण को मानता है, बना हुआ है सर। रावण को इसलिए मानता है कि उसको फायदा है उससे, इसलिए रावण को मानता है। यार हिंदुस्तान में रावण को बहुत बढ़िया से मान खातिर होता है। यहाँ रावण की पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। ग्रामीणों द्वारा पूरे विधि विधान से जहाँ अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वही लंकेश्वर की भी पूजा और आरती होती है। यहाँ पर स्थापित मूर्ति में रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं और हाथों में शिवलिंग भी है। न्यूज़ लाइफ डेस्क, पटना। बहुत दूर दूर से आदमी आता है, गाड़ी लेकर के मन्नत मानने आता है, उसका पूरा हो जाता है, तो पाठा भी यहाँ पर चढ़ता है, जिसका जो फायदा होती है ऐसा ही वो आती है। और बहुत दूर से आता है, कनियाबाड़ी, बुरी मारी, झाटी बाड़ी, जहाँ जहाँ हिंदू है बहुत दूर से आता है, कभी पूर्णिया से भी लोग आ जाता है। तो एक तरफ रावण को जलाया जाता है? नहीं, यहाँ रावण नहीं जला जाता, यहाँ रावण को मानता है, बना हुआ है सर। रावण को इसलिए मानता है कि उसको फायदा है उससे, इसलिए रावण को मानता है। यार हिंदुस्तान में रावण को बहुत बढ़िया से मान खातिर होता है। ये जो रावण को जलाया जाता है, कहाँ, बंगाल, बंगाल का तरफ है ना, उधर जला देता है, और हिंदुस्तान में रावण को नहीं जलाता है। इसका मान बहुत अच्छा है, मुसलमान को भी फायदा होती है। मुसलमान का कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आता है, दूर से अगर दुआ मांग लेता है तो बच्चा भी ठीक हो जाता है। कहाँ पर आता है? यही रावण के मंदिर। हाँ, दूर से मान लेते हैं कि मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया है थोड़ा सा। आप एक मुसलमान है तो आप भी रावण को मानती हैं? मानती हैं, घर में बाल बच्चा है तो मानता पड़ता है। अच्छा। आके अगर खिलाता है, कुछ अगर कोई दोषी कर देता है, अगर उसको कोई तबीयत खराब हो जाता है तो माफी मांगते हैं, तो बच्चा भी सही हो जाता है। आपका मन्नत पूरा हुआ? हाँ, मन्नत तो हम लोग का पूरा है कि मेरा नाती बचने वाला नहीं था, मगर यहाँ दुआ मांगे तो मेरा नाती बच गया।